देखा है लोगों ने, समाज ने भी बहुत कुछ सीखा है, समझा है, मुस्लिम समाज ने भी बहुत देखा और उसमें बदलाव आया। हमारे पिछले ओबीसी भाइयों में भी बहुत बदलाव आया, क्योंकि मुझे कहना नहीं चाहिए मगर यही ट्रूथ है, मैं ईमानदारी से बात करने वाला। उस वक्त की लड़ाई मीडिया की मेहरबानी से, आप भाइयों की मेहरबानी से दो खेमे में पोलराइज हो गए। एक तरफ वो खड़े हो गए जो भाजपा को हराना चाहते थे, एक तरफ वो खड़े हो गए जो भाजपा को जिताना चाहते थे। कहीं ना कहीं बीएसपी को नुकसान हुआ उसका, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, नतीजे बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो लोग जो जिताना हराना चाहते थे उसमें मेरा भी समाज था। 99% वोट देने के बाद क्या नतीजा हुआ? बहुत सारे ओबीसी भाई भी थे, बहुत लोग जुट करके गए थे, बहुत लोग जुट करके गए थे कि लाओ हटा दे। लेकिन क्या हुआ सबने देखा। तो अब इसलिए ये बात मैं कहता हूँ कि उसके बाद से ही 22 का चुनाव जैसे ही गिनती शुरू हुई, लोगों को लगा कि ये हमने क्या भूल कर दी, इससे अच्छा हम बसपा में चले गए होते। क्योंकि देखिए, अब यही समझने की बात है ईमानदारी से, और इसको चलाइएगा भी, क्योंकि उस विपरीत परिस्थितियों में आप खुद कहते हैं हम 13% थे, उस विपरीत परिस्थितियों में, जबकि हमारे, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि एससी भाई के अलावा ही शायद कहीं से कोई वोट मिला हो। सर, आजमगढ़ के सदर एमएलए दुर्गा प्रसाद यादव ने हम लोगों से रूबरू होते हुए ये बात कही थी, आप इसको नेता में न लीजिएगा, उन्होंने आपका नाम लेते हुए कहा था कि जब से गुड्डू जमाली विधायक बने, माननीय सदस्य बन के असेंबली पहुंचे हैं, उनकी सरकार असेंबली से गायब हो गई जो आज तक नहीं है। अब ये वो कह सकते हैं, हमारे दुर्गा, वैसे कोई मेरा दोष नहीं रहता, हमारे बातचीत भी कभी कभी हो जाती है, आमना सामना होता है तो हो जाती है, ये आप कह सकते हैं, ये अल्जाम मुझ पर लग सकता है कि आई एम नॉट ए लकी मैन, ये आप कहना चाहते हैं। तो बहरहाल हम इस प्रयास में लगे हैं कि अगर ये दाग हम पे है तो उसको धुल दिया जाए। एक 30 सेकंड लास्ट हो रही है, आपसे 30 सेकंड में जानना चाहेंगे कि ये जिस नगर पंचायत द्वारा बादशाहपुर में जौनपुर आप इस वक्त बैठे हैं, यहाँ एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है, बसपा का जो कोर वोटर दलित है वो सीधे तौर पर इस बार चुनाव में सीधे तौर पर जुड़ा है बसपा के साथ, लेकिन अभी आज आप जिस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, यहाँ मुसलमान भाइयों के कानों में आप क्या कहते जा रहे हैं? नहीं, मैंने तो जो कहना था मन से कहा, अगर आप लोग रहे होंगे तो आपने सुना भी होगा। मैं यही कह रहा हूं कि हम सब लोगों को ये समझना है, हमें उस रास्ते पर चलना है जो सही रास्ता है। और मतदाता के क्या मुद्दा है, चुनाव आगमन आपका हुआ है, उनके जो अपना अपनाने में, उनको समझाने में, मनाने में, तो क्या लगता है कि वो मतदाता जो अल्पसंख्यक समुदाय से है, जो एक बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में है, जो आज तक आपके पक्ष में नहीं गया, लिहाजा इसका फायदा समाजवादी पार्टी उठाती रही, क्या इस बार लगता है कि निकाय चुनाव में वो समय आ रहा है कि वो मतदाता आपको समझ पाएगा? देखिए, वो भरम हमने पहले ही तोड़ दिया है, वो भरम तो भाई इलेक्शन में ही तोड़ दिया था ना। अभी आपके बगल से आजमगढ़ जिला तो बहुत दूर नहीं है, बगल में ही लगा हुआ है, अभी झाकेंगे, आप मीडिया के भाई हैं, आप पता कर लीजिए जाके। मुसलमानों की बस्तियों में हमने सपा को हराया नहीं है, बुरी तरीके से हराया है। कोई ऐसी बस्ती नहीं जहां ये हमसे जीत के, इक्का दुक्का की मैं बात नहीं करता हूं, हालांकि जहां इनके विधायक रहते हैं, जबकि जहां इनके सिटिंग विधायक रहते हैं, उन बस्तियों, उन बूथों को भी हमने जीता है। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको डिटेल में सुन लीजिए। मुसलमान पहले भ्रमित था इनसे, वो 22 के चुनाव के पोल के बाद ही समझ गया, जैसे ही 22 का चुनाव हुआ और नतीजे आए, बसपा का जो हुआ हुआ, लेकिन मुसलमान को सबसे ज़्यादा मायूसी उस वक्त हुई कि अब हमने जब 99% वोट सपा को दे दिया तो वो कौन सा दिन आएगा कि सपा सरकार बना पाएगी। और उनको ये भी पता चला जब उन्होंने पछा देखा कि इनके लोगों ने भाजपा को वोट दे दिया, और उसको हमने सिद्ध किया, प्रूफ किया बाई इलेक्शन में, इनको वहाँ से बुरी तरीके से हराया मुस्लिम इलाकों में, कि इनका घमंड जो था कि ये हमारे बदुआ गुलाम हैं, वो पूरे प्रदेश में दूर हो गया। अब तो मुसलमान, आप देखिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को ये बात मालूम है कि ये भी दुखियारे हैं, हम भी दुखियारे हैं, बहन जी सबको ले दे के चलती हैं, और इनकी आबादी बहरहाल जिनके जो ठेकेदार हैं उनसे 3 गुना। एक चीज विधायक जी जरा जानना चाहेंगे, अन्यथा लेने की जरूरत नहीं, बहुत तार्किक सवाल है कि जिस बसपा के पास पूरी की पूरी 403 विधानसभा में सिर्फ एक विधायक को भी उमा शंकर जी हो, जिसका सामर्थ्य छोटा हो गया हो, जिसका मनोबल टूट गया हो, वो नगर पंचायत में यहाँ अपने कार्यकर्ताओं में कितना मन भर पाए? देखिए, लगता है कि आज आपने जान फूंकी है। देखिए, हम बिल्कुल अन्यथा नहीं लेते, हम तो पढ़ा लिखा डिबेट करने में बहुत हमें अच्छा लगता है, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं,
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।